हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक। होपफुली आपको ये एमसीक्यू रिवीजन जो है काफी हेल्पफुल हो रहा है। तो आज जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 7, पेपर नंबर 1 का, जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ ई करेस्पॉन्डेंस। ठीक है, जो बच्चे अभी मेरा ये लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ई करेस्पॉन्डेंस नाम से जो एक वीडियो है, ई करेस्पॉन्डेंस का जो वीडियो है वो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ यूट्यूब पे। तो अगर आपको पूरा लेक्चर भी देखना है, इनिशियल लेक्चर देखना है, डेफिनेटली एक बड़ा चैप्टर है, तो जो फर्स्ट पार्ट अगर इसका आपको देखना है तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें? देखो, हम सबका अगर टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, अगर आप कंप्यूटर्स आपने नहीं लिए हुए थे 10th 12th में, तो थोड़ी सी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। अलग अलग टर्मिनोलॉजीज दी हुई है इंटरनेट की, उनके बीच का डिफरेंस नहीं समझ में आता, सिर्फ मात्र पढ़ने से नहीं समझ में आता। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है कि मैंने एक लिंक बनाया हुआ है, चीजों के बीच का लिंक बनाया हुआ है। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे उनको ये क्लास करने के बाद डेफिनेटली उनका इस चैप्टर में जो कॉन्फिडेंस है वो 200% ऊपर जाएगा, एंड यू कैन थैंक मी लेटर। और जैसे भी लगे इसका रिव्यू प्लीज दीजिएगा। ठीक है, चलो, थोड़ी सी मेहनत लगती है, रिव्यू तो पसंद आता है। ठीक है, चलो, तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे मैम? इसमें हम पढ़ेंगे सबसे जो पहला पार्ट है हमारा, दो तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं अपने इस चैप्टर को। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है कुछ टर्म्स, जैसे कि इंटरनेट, www, वेब पेज, वेब डॉक्यूमेंट्स, ब्राउजर, हाइपरलिंक्स, प्रोटोकॉल्स। ये पढ़ेंगे क्या होते हैं और इनके बीच का लिंकिंग क्या है। बिल्कुल ही फोकस्ड होकर के पढ़ना, सारा काम मैम पहले से कर चुकी है, बस फोकस रख करके सुनते जाओ। अब मेरी बात समझो, यहां पे सबसे नीचे ये क्या दिख रहा है? ये एक बेस है। ठीक है, ये एक बेस है। इंटरनेट एक बेस होता है, इंटरनेट जो कि कनेक्ट करता है डिजिटल सिग्नल से लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स को, यूजर्स को, वो कुछ नहीं, एक बेस है। किस चीज का बेस है? वो एक बेस है जिसके ऊपर सारे के सारे रिसोर्सेस पड़े हुए हैं, जिनको हम देख पाते हैं अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट इज अ मीडियम फॉर www, इसको बाद में समझना। इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, इट कैरीज डिजिटल सिग्नल्स, टेक्स्ट, ग्राफिक सिग्नल, सब कुछ कैरी करता है इंटरनेट। मान लो कि एक लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स हैं, उनके बीच जो सिग्नल्स जा रहे हैं उसको ही बोलते हैं इंटरनेट। अब इस इंटरनेट एक बेस के ऊपर, ये इंटरनेट एक बेस है जिसके ऊपर ढेर सारे रिसोर्सेस पड़े हुए हैं, तो यहां पे आते हैं हमारे रिसोर्सेस। ठीक है, तो ये जो www है ये कुछ और नहीं बल्कि इंटरनेट पे बना हुआ एक रिसोर्स का पूरा समझ लो कि डेटा है, बहुत ढेर सारा डेटा है। तो दिस इज अ वे ऑफ एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन। www दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब इज इंफॉर्मेशन शेयरिंग मॉडल, इट इज बिल्ट ऑन इंटरनेट। डिफरेंस समझ में आया इंटरनेट और www के बीच में? अब मैम ये आपने बोल दिया कि ये तो बहुत ढेर सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये रिसोर्सेज किस फॉर्म में है? तो ये जो रिसोर्सेज हैं बच्चों, ये रिसोर्सेज वेब डॉक्यूमेंट्स या फिर वेब पेजेस के फॉर्म में है। समझ में आया? www जो है ये कुछ नहीं है बल्कि करोड़ों, लाखों, इनफाइनाइट वेब डॉक्यूमेंट्स और वेब पेजेस का एक ग्रुप है। ठीक है, जो आपस में लिंक्ड है। ये आपस में कैसे लिंक्ड है? इतने सारे वेब डॉक्यूमेंट्स और वेब पेजेस हाइपर लिंक्स के थ्रू। क्या लिखा हुआ है? हाइपर लिंक्स के थ्रू। समझ में आया? क्लियर है पिक्चर? अब ये जो www है ये दो तरीके की लैंग्वेजेस, प्रोटोकॉल्स यूज करता है। पहली है HTTP, दूसरा है HTML। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट ऐसे करके कुछ प्रोटोकॉल है, आगे देखेंगे हम। चलो, अब ये HTTP HTML क्या करता है ये हम आगे देखेंगे। अब जो ये सारी चीजें मैम समझ में आ गई कि रिसोर्सेज है, बेस है जिसके ऊपर ये रिसोर्सेज बने हुए हैं, हम इन्हें एक्सेस कैसे कर पाते हैं? तो ये गाड़ी दिख रही है, मैंने ट्रक बनाने की कोशिश की है, तो टर्टोइज लग रहा है शायद ये। हाँ, तो ये जो गाड़ी है ना, ये कुछ नहीं बल्कि वेब ब्राउजर है। तो जो वेब ब्राउजर होता है ये इन HTML टैग्स को तोड़ करके या फिर HTML टैग्स को मॉडिफाई करके एक्सेस करने में हेल्प करता है। तो ये एक बेसिक पिक्चर है, बेसिक पिक्चर जो कि बता रही है कि कौन कौन से एलिमेंट्स क्या क्या काम करते हैं। समझ में आया? चलो, अब जो है क्लियरली वन बाय वन समझते हैं।
इस चैप्टर का रिवीजन थोड़ा सा स्लो होगा क्योंकि ये इतना टाइम डिमांड करता भी है. हमने क्लास में तो बहुत अच्छे से इसका डिस्कशन किया है. ठीक है, टॉकिंग अबाउट वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर जो मैंने यहां पे बताया आपसे, ये चीज, ये जो ये है ना वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन है, बोल सकते हैं एक सॉफ्टवेयर है जो कि ट्रैवल करती है, ट्रैवर्स करती है या फिर ट्रैवल करती है कहां पे, इन www में ट्रैवल करती है और जो आपके मुताबिक आपने जो URL दिया है, जो एड्रेस दिया है, वो आपको ला करके दे देती है. तो इट फाइंड्स, रिट्रीव्स एंड डिस्प्लेस इंफॉर्मेशन ऑन योर डिजिटल डिवाइस. व्हाट? द वेब ब्राउजर्स. वेब ब्राउजर्स की मदद से ही आप कुछ कर पाते हो. ठीक है, अब देखो दो लिंक समझने की कोशिश करना. सबसे पहले www समझ में आ गया, ये रिसोर्सेज है, वेब डॉक्यूमेंट्स और वेब पेजेस से बने हुए हैं. तो ये जो www है दोस्तों, ये मैंने बताया दो तरीके के प्रोटोकॉल्स यूज करता है. सबसे पहले HTTP. आओ देखते हैं HTTP क्या करता है. www uses HTTP to transmit data. HTTP Hypertext Transfer Protocol allows information to connect. अभी ज्यादा फुल फॉर्म पे मत, ध्यान मत दो, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, फुल फॉर्म आपके बुक में दिए हुए. HTTP allows information to connect with each other. ठीक है, तो ये जो भाई इतने ढेर सारे यहाँ पे आप रिसोर्सेज देख रहे हो HTTP प्रोटोकॉल के हेल्प से. प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल का मतलब हो गया कि कोई एक फॉर्मेट, प्रोटोकॉल. ठीक है, प्रोटोकॉल अलाउ करता है इंफॉर्मेशन एक दूसरे से कनेक्टेड रहे. ठीक है, टू एक्सचेंज बिजनेस लॉजिक्स. और www क्या यूज करता है? www HTML टैग्स. किस लिए? जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरीके से www पे ऑर्गेनाइज्ड है, किस तरीके से फॉर्मेटेड है, वो किसकी सहायता से होता है? HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, उसके सहायता से ये ऑर्गेनाइज्ड होता है, फॉर्मेटेड होता है. और एक दूसरे से www पे जो डेटा है वो कैसे कनेक्टेड रहती है? HTTP. ठीक है, समझ में आ गया. अब लिंक क्या समझना है यहाँ पे, जो HTML टैग्स हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो HTML टैग्स हैं, है ना, उसी की हेल्प से तो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मेटेड है www पे, इंटरनेट पे. तो इन HTML जो टैग्स हैं, इनको वेब ब्राउजर जो है कन्वर्ट कर देता है इंफॉर्मेशन में. तो ये तो लॉजिक्स के बेसिस पे, जो कंप्यूटर इंटरनेट लॉजिक्स यूज करता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बेसिस पे वो इंफॉर्मेशन वहां पे ऑर्गेनाइज्ड है. वेब ब्राउजर क्या करता है? उसको तोड़ता है, उसको कन्वर्ट करता है. किसको? HTML टैग्स को, और जो कंटेंट है उसको तोड़ता है और हमें क्या दिखाता है? इंफॉर्मेशन दिखाता है. तो बातें क्लियर हो गई, बातें काफी क्लियर हुई होंगी. ये सिर्फ अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा. चलो, अब हमने एक और बात कही थी दोस्तों कि ये जो वेब डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो वेब पेजेस हैं, हाइपरलिंक एक चीज होती है. हाइपरलिंक क्या होता है? वेब पेजेस एंड वेब डॉक्यूमेंट्स ओवर दिस रिसोर्स www आर कनेक्टेड टू ईच अदर यूजिंग द हाइपरलिंक्स. हाइपरलिंक्स देखा होगा ना, जैसे कि आपके ICSI का रजिस्ट्रेशन, एक पेज खोलते हो, मान लो CS क्लब का पेज खोलते हो, उसमें लिखा होता है कि इफ यू वांट टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन क्लिक हियर, तो एक हैंड बन करके आता है, उसको क्लिक करते हो तो दूसरा वेब पेज खुल जाता है, नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है, तो इसको बोलते हैं हाइपरलिंक्स. ठीक है, हाँ जी. तो 2-3 सेकंड की जो है वॉइस चली गई थी, मैं बस ये बोल रही थी कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट हाइपरलिंक्स. तो ये पूरा डिस्कस हो गया था कि हाइपरलिंक्स क्या होता है ना. तो वेब पेज की अगर हम बात करें, जो वेब पेज और वेब डॉक्यूमेंट्स की बात हमने की है, तो वेब पेज और वेब डॉक्यूमेंट्स को आप वेब ब्राउजर के थ्रू लोकेट तो करते हो, रिट्रीव करते हो, डिस्प्ले करते हो, लेकिन कैसे? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को टाइप करके वेब ब्राउजर में, राइट? तो अगर ये बातें समझ में आ गई, फर्स्ट टू टॉपिक्स पेजेस अगर आपको रिविजन के समझ में आ गए, तो समझ लो कि आपका आधे से ज्यादा काम तो पूरा हो चुका है. ठीक है, अब अपने नेक्स्ट पार्ट आते हैं, जिसमें हम डेफिनेशन देखेंगे इंटरनेट की. इंटरनेट जो बेस में था, याद है फर्स्ट पेज पे, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट को हम बोल सकते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, डिजिटल सिग्नल्स कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ यूजर्स, राइट? वन पार्ट इज www. तो वेब जो है सिर्फ एक पार्ट है इंटरनेट का. ठीक है, तो इंटरनेट, अब देखो इंटरनेट में जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे ट्रैवल करती है, दो प्रोटोकॉल्स हैं, IP और TCP प्रोटोकॉल्स. ठीक है, चलो अब एक क्रक्स की बात करते हैं. ये जो है यहाँ पे, ये है, ये दिस इज अ क्रक्स. क्रक्स समझो, वेब इज वन ऑफ द सर्विस दैट रन्स ऑन इंटरनेट. वेब इज कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, पेजेस लिंक्ड वाया हाइपरलिंक्स.
searched via browsers using URL in the address uniform resource locator. Crux समझ में आया? चलो अब एक नया टॉपिक आता है नेक्स्ट पार्ट. देखो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट. जब हम इंटरनेट की सहायता से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उसको बोला जाता है ई करेस्पॉन्डेंस, या दूसरा नाम क्या होता है ईमेल करेस्पॉन्डेंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक करेस्पॉन्डेंस. सारे के सारे सिनोनिम्स हैं, ठीक है. नाउ ई करेस्पॉन्डेंस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग ईमेल एड्रेस. अब जब हम बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम ईमेल्स के थ्रू ही तो इलेक्ट्रॉनिकली यू नो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं. तो उसमें हमें हमारे पास सामने वाले का जो हमारा रिसिपियंट है ऑफ द मैसेज उसका एड्रेस होना चाहिए, ईमेल एड्रेस, उसके अकाउंट का एड्रेस, ठीक है. चलो अब जो एक नया और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसमें से एमसीक्यू जरूर आएगा वो है हिस्ट्री. हमने पढ़ा था क्लासरूम में कि ईमेल की पूरी हिस्ट्री. ऐसा तो है नहीं कि जो आज ईमेल आपको माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पे या फिर जीमेल पे या फिर याहू पे जो दिख रहा है इंटरफेस या फिर जो दिख रहे हैं फीचर्स वो सदियों पहले रहे होंगे. कभी ना कभी इसका इवोल्यूशन हुआ होगा, इवॉल्व हुआ होगा, राइट. तो वही बुलेट पॉइंट्स मैंने आपके लिए इजी कर दिया है. 1965 में मसाचुसेट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एमआईटी इंस्टीट्यूट हुआ करता था, ठीक है. 1965 में एमआईटी इंस्टीट्यूट में मेलबॉक्स का इन्वेंशन हुआ. मेलबॉक्स सबसे बेसिक, सबसे क्लासिक बेसिक फॉर्म ऑफ ईमेल, ठीक है. टॉमिलसन नाम के एक पर्सन थे, टॉमिलसन, जो कि आप देख पा रहे होंगे, टॉमिलसन पर्सन था जिसने जो है एट द रेट का इन्वेंशन किया. जो हम लोग बोलते हैं ना यूजर एट द रेट, यूजर नेम एट द रेट होस्ट एट द रेट याहू, तो इसने एट द रेट का आविष्कार किया. ये एक एड्रेसिंग स्टैंडर्ड है और इसीलिए टॉमिलसन को फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है. 1965 पे आते हैं तो यूएस मिलिट्री ने इम्प्रूव्ड वर्जन, इम्प्रूव्ड फॉर्म ईमेल का इस्तेमाल करना, मेलबॉक्स का इस्तेमाल करना शुरू किया. 1975 वाज द टाइम व्हेन हिस्ट्री सॉ द इमर्जेंस ऑफ ईमेल अकाउंट. ईमेल अकाउंट क्रिएट हुआ, ठीक है, एक अकाउंट क्रिएट हुआ. अभी तक तो मेलबॉक्स के थ्रू होता था. सीक्रेट पासवर्ड का आविष्कार हुआ 1975 में, लोगों को दिए जाने लगे उनके यूजर आईडी पासवर्ड, और अलग अलग फोल्डर्स बनने चालू हुए जो कि आज हम देख पाते हैं, इनबॉक्स, स्पैम, आउटबॉक्स, व्हाट्सएवर, ड्राफ्ट एक्सेट्रा. 1976 को एक वॉटरशेड ईयर माना जाता है. व्हाई? बिकॉज इन द हिस्ट्री, पहले की पूरे के पूरे अभी तक की हिस्ट्री में 1976 वॉज द ईयर जिसमें ईमेल की मार्केटिंग बंपर हुई. पर मिनट चार्जेस, जैसे याद है पहले हम लोग टेलीफोन बूथ पे जाकर के कॉल किया करते थे या फिर हमारे जो बीएसएनएल वगैरह होते थे तो पर मिनट चार्जेस लगते थे, राइट. अभी तो जियो ने सब कुछ फ्री कर दिया है. तो उसी तरीके से ईमेल भी जो हुआ करता था दोस्तों वो पर मिनट चार्जेस, हमको ये बात पता नहीं है, हम जितना ऑनलाइन बैठ करके ईमेल अकाउंट अपना खोलते हैं, लॉग इन करते हैं, उतने पर मिनट चार्जेस लगते थे, ठीक है. कमर्शियल पैकेजेस बिकने चालू हुए. कमर्शियल पैकेज का मतलब आपको जिन जिन चीजों की जरूरत है वैसे वैसे पैकेजेस मार्केट होने शुरू हुए. लेकिन उसके बाद जो है, उसके बाद धीमे धीमे ऑफलाइन रीडिंग आ गई. ऑफलाइन रीडिंग में क्या होता है कि आपने लॉग इन किया, आपके परमानेंट चार्जेस लग रहे हैं, आपको जो जो मेल्स जो है चाहिए उसको आप डाउनलोड कर लो, लॉग आउट कर दो. अब जो है परमानेंट चार्जेस नहीं लगेंगे, आप आराम से बैठ करके फ्री में ऑफलाइन रीडिंग कर सकते हो, ठीक है. तो दिस वॉज द हिस्ट्री ईयर्स विच यू हैव टू रिमेम्बर. नाउ अब हिस्ट्री पढ़ते हैं लेकिन ईमेल की नहीं, प्रोटोकॉल्स की. जो मैंने एफटीपी, आईपी और ये सब प्रोटोकॉल्स बताए उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है. 1972, अगर बच्चे सोच ये पूछ रहे हैं, मुझसे पूछते हैं कि क्या मैम ईयर याद करना जरूरी है, तो जी हाँ ईयर्स याद करने जरूरी है. 1972 में फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी आया, इन्वेंट हुआ ईमेल को सेंड करने के लिए. एक चीज याद रखना, ईमेल को सेंड करने के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो है एफटीपी, एसएमटीपी. ईमेल्स को रिसीव करने के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो है पीओपी और आईमैप, ठीक है. 1972 में एफटीपी, बस रीड करते जाओ. 1972 में एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आया टू सेंड ईमेल, ठीक है. लेकिन इसका एक ड्रॉबैक था. इसका ड्रॉबैक क्या था कि बहुत ही ज्यादा मेमोरी ये कंज्यूम करता था, स्पेस कंज्यूम करता था. कैसे? हर रिसिपेंट के लिए इसको एक अलग मेल चाहिए होता था, सेपरेट मेल फॉर ईच रिसिपेंट. इसकी वजह से मेमोरी लॉस होता था. 1982 में इसका इम्प्रूव्ड वर्जन आया दोस्तों. बस कथा की तरह इसको सुनते रहिए, ये आपके लिए संजीवनी का काम करेगा, संजीवनी समरी का काम, ठीक है. 1980 में आया एसएमटीपी जिसका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है, जिसने क्या ड्रॉबैक को जो है दूर किया कि भाई जो सेपरेट मेल वाला मेमोरी लॉस वाला ड्रॉबैक हुआ करता था एफटीपी का, वो अब एसएमटीपी ने दूर कर दिया है.
लेकिन इनके कुछ ड्रॉबैक्स अभी भी थे जो कि आज तक चलते आए हैं। और एसएमटीपी के ड्रॉबैक्स क्या हैं कि भाई ये जो है ना फॉर्जरी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, यूजर ऑथेंटिक है कि नहीं उसको वेरीफाई नहीं कर पा रहा था, वायरस वॉर्म्स स्पैमिंग ये सब प्रॉब्लम्स को वो दूर नहीं कर पा रहा था। और हम भी जानते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आज की सदी में भी अभी भी चलती आ रही है। ठीक है, तो एफटीपी एसएमटीपी 1972-1980 याद हो गया। अब हम बात करते हैं रिसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये सेंडर का था। तो ऑपोजिट ऑफ एसएमटीपी इज पीओपी। जैसे एसएमटीपी सेंडिंग के लिए होता है, पीओपी रिसीविंग के लिए होता है। लेकिन इसके ड्रॉबैक क्या थे कि ये ऑफलाइन सपोर्ट नहीं करता था, सिंपल। अब हम यहां पे क्या देख रहे हैं, आई मैप। ये देखो पीओपी रिसीविंग के लिए होता था, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या था, ये ऑफलाइन सपोर्ट को सपोर्ट नहीं करता था। इसका इंप्रूव्ड वर्जन आया आई मैप, याद रखना पीओपी का इंप्रूव्ड वर्जन आई मैप है। इसके जो फुल फॉर्म्स हैं वो आप अपने बुक में देख लीजिएगा, आई मैप है इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ पीओपी। ऑफलाइन प्रॉब्लम इसने सॉल्व कर दी है। ठीक है, अब जो 1990 आया, यहाँ पे 1980 था, 1990 आया, अब जो है ईमेल जो है फ्री होने लगा। हम आज की डेट में फ्री में ईमेल यूज करते हैं, राइट, फ्री हो गया। एक इसका जो इंटरफेस है बहुत ही यूजर फ्रेंडली हो गया। और 1990 जो है सबको पता होगा कि .com बूम हुआ करता था। भाई .com बूम आपको पता है कि नहीं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस इतना लिखा हुआ है .com बूम का टाइम था। .com बूम क्या होता है आज जाकर के गूगल में पढ़ो, ये कौन सा, ये क्या चला था .com बूम, क्यों इतना बूम हुआ था, राइट। फिर उसके बाद 1990s में ही हर इंसान के पास ईमेल अकाउंट होना शुरू हो गया। अक्रॉस ग्लोब सबके पास ईमेल अकाउंट हुआ करते थे। तो ये हमने पढ़ लिए इंपॉर्टेंट डेट्स। अब बात करते हैं दोस्तों फीचर्स की, द नेक्स्ट पार्ट इज फीचर्स। हम किस चीज के फीचर्स पढ़ेंगे, एक तो ईमेल सिस्टम के फीचर्स पढ़ेंगे, अब ईमेल अकाउंट के फीचर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले ईमेल बहुत सिंपल है। ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड होता है, पहली बात तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। अलग अलग फीचर्स, अलग अलग पैकेजेस हैं कंपनीज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। अब देखो पैकेज का मतलब क्या है, जो तुम्हारा ईमेल होता है, जो पर्सनल ईमेल आप घर पे यूज कर रहे हो, उसमें अटैचमेंट जो होते हैं ना उसकी साइज लिमिटेड होती है। जो कंपनीज हैं उनको तो बल्क में जीबीज में अटैचमेंट भेजने होते हैं, राइट। कुछ कंपनीज होती हैं जो कि जिनका काम ही होता है स्पैमिंग का, राइट, जो एडवर्टीजमेंट कंपनीज होती हैं उनका काम होता है क्या बोलते हैं, यूजर एड्रेसेस लेना और उनको बल्क में मैसेजेस भेजना। तो वो अपने अपने हिसाब से जो है टेलर करवाती है, पैकेजेस लेती है ईमेल अकाउंट्स के। इसका वर्ड प्रोसेसिंग इंटरफेस है, आप भी जानते हो कि ईमेल जब आप लिखते हो तो उसमें बोल्ड इटैलिक वर्ड के सारे फीचर्स होते हैं, तो वर्ड प्रोसेसिंग इंटरफेस है। नाउ अटैचमेंट्स पॉसिबल है, आपको पता होगा एक सिंबल होता है अटैचमेंट का, सिग्नेचर आप अपना डाल सकते हो। वी आर जस्ट ब्राउजिंग थ्रू द फीचर्स, बेसिक फीचर्स जो आप जो भी ईमेल यूज करता है उसको पता होगा इसके बारे में। यहाँ पे क्लाउड स्टोरिंग भी पॉसिबल है, हम ड्रॉपबॉक्स गूगल ड्राइव के हेल्प पे अभी जो बैकअप जो है मेंटेन कर सकते हैं क्लाउड पे। सर्च ऑप्शन होता है इसमें कि मतलब कोई पुराना मेल सर्च करना है तो उसके नाम से या फिर एड्रेस से सर्च कर सकते हैं। और स्पैम दैट इज जंक अनसॉलिसिटेड मेल्स के लिए एक अलग फोल्डर होता है स्पैम। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये थोड़ा फास्ट है क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप एक रीडिंग कर चुके हो 100%। ठीक है, जो चीजें नहीं समझ में आए आप फिर से क्लास एक बार दोहरा लीजिए। नाउ कमिंग टू द ईमेल अकाउंट गाइज, ईमेल अकाउंट। ठीक है, ईमेल अकाउंट क्या है, अकाउंट की अगर बात करें तो डेफिनेटली यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है, राइट। ईमेल अकाउंट की बात कर रहे हैं, अभी तक एक ईमेल सिस्टम एज अ जनरल ईमेल की बात कर रहे थे, अब अकाउंट की बात कर रहे हैं। जो फोन में लैपटॉप पे अकाउंट खोल के बैठते हो वो यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है, बहुत ईजी हो गया आप तो जीमेल। ठीक है, नाउ इनबॉक्स सेंट ड्राफ्ट स्पैम ट्रैश ऐसे से अलग अलग टैब्स होते हैं, अलग अलग फोल्डर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, ग्रुप कॉन्टैक्ट होता है। जो टू का ऑप्शन होता है उसमें दो चीजें होती हैं, सीसी और बीसीसी, कार्बन कॉपी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसके बीच का डिफरेंस हमने क्लास में बहुत अच्छे से समझा हुआ है। कस्टमाइजेशन दैट इज जो मैंने अभी बताया आपको कि कस्टमाइजेशन यूनिक रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से पैकेजेस मिलते हैं। प्रोफेशनल अपीयरेंस है इसका और कंटेंट भी प्रोफेशनल है। ठीक है, चलो अब चलते हैं इंट्रानेट की तरफ। अभी थोड़ा सा
सिंपल टॉपिक उठाते हैं, इंट्रानेट। देखो इंट्रा का मतलब क्या होता है, इंट्रा का मतलब होता है इंटरनल। हमको पता है कि जो इंटरनेट होता है वो वर्ल्ड वाइड है, वो तो दुनिया भर के मिलियंस जिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मान लो 1000 लोग काम करते हैं, मुझे और कुछ लोग ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम काम करते हैं, कुछ लोग बहुत दूर काम करते हैं, यदि मुझे उनके लिए एक इंटरनल नेटवर्क चाहिए, एक ऐसा सेटअप चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी का नाम है अग्रिका प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, मेरी कंपनी के कुछ मैनुअल्स होंगे, मेरी कंपनी के कुछ रूल्स होंगे, कुछ एप्लीकेशंस होंगे, कुछ सॉफ्टवेयर्स होंगे, जो कि मैं चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मेरे इंप्लॉइज लॉग इन करके उसको इस्तेमाल कर पाए। तो ये एक उदाहरण है इंट्रानेट का, इंट्रानेट। तो देखते हैं मीनिंग, इंट्रा मीन्स इंटरनल विद इन ऑर्गेनाइजेशन, इंप्लॉइज को अपडेटेड रखने के लिए, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे एक जो एक कल्चर बन जाता है हार्मोनाइजेशन का, हार्मनी का कल्चर बन जाता है। मैं ऑफिस में बैठ के काम कर रही हूँ, मैं अग्रिका प्राइवेट लिमिटेड पे लॉग इन करी हुई हूँ, अग्रिका प्राइवेट लिमिटेड में मुझे एक जगह न्यूज बुलेटिन ऑफिस का मिल रहा है, न्यू थिंग्स इन द ऑफिस, न्यू ज्वाइनिंग पीपल, यहाँ पे कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम यूज कर सकते हैं, फिर उसके बाद ट्रेनिंग टूल्स, ये सब दिए रहते हैं उसमें। तो एक हार्मोनाइजेशन वाला कल्चर है कि भाई मैं यहाँ से बैठ करके काम कर रही हूँ, कोई बंदा हिमालय पे बैठ करके लॉग इन करके काम कर रहा है, रिमोट कल्चर से काम कर रहा है, लेकिन एक कल्चर हार्मोनाइजेशन का बना हुआ है कि सब लोग अग्रिका प्राइवेट लिमिटेड में बैठ के काम कर रहे हैं, तुरंत तुरंत सब लोग अपडेट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक सेंट्रल कम्युनिकेशन है रिमोट एम्प्लॉइज के लिए, जो इसने जो है रिप्लेस कर दिया है ईमेल को और पेपर्स को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे अपने बॉस को या फिर मुझे अपने एम्प्लॉय को अगर सेपरेट ईमेल करने की जरूरत नहीं है, वो जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया हुआ है, वो जो मेरा एक पूरा का पूरा अग्रिका प्राइवेट लिमिटेड का एक क्या बोल सकते हैं, एक बेंचमार्क है, एक बेस है, उसमें ही यूजर आईडी के हेल्प से, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा उधर बैठा हुआ है, उसका एक यूजर आईडी होगा, उससे मैं लॉग इन करके या फिर उसको टू चैट करके मैं वहां पे उससे कम्युनिकेट कर सकती हूँ, ठीक है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैं पहले जिन भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी एसेंचर में, तो वहां पे हर इंसान को, लाखों लोग काम करते हैं एसेंचर में, कुछ लोग अमेरिका में है, यूएस में है, कुछ इंडिया में गुड़गांव में काम कर रहे हैं। तो मुझे अगर मेरे किसी फ्रेंड जो कि अमेरिका में है, उसका मुझे यूजर आईडी मिल चुका है, मैंने उससे ले लिया, तो मैं उससे वहीं पे चैट कर सकती हूँ, मुझे उसको कुछ भी ईमेल अटैचमेंट भेजना है तो मैं वहीं से उसको भेज सकती हूँ, मुझे सेपरेट ईमेल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लाइव डिस्कशंस होते रहते हैं, तो मतलब समझ लीजिए एक वेबसाइट, एक ब्लॉग है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एम्प्लॉइज को मिला हुआ है एक्सेस, ज्यादा समझने की बात नहीं है। एचआर डिपार्टमेंट जो होता है, डेफिनेटली जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, वो लोग इसको मैनेज करते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है टू डिप्लॉय एंड डेवलप एप्स, बिजनेस सपोर्ट एप्स के, तो ऑपरेशनल जो लोग काम करते हैं उनके लिए ऐप डेवलपमेंट का एक बेस की तरह काम करता है इंट्रानेट। एक और बात याद रखना, इसमें लिखा नहीं है, इंट्रानेट का अगर कुछ पोर्शन हम अपने आउटसाइडर्स क्लाइंट्स को एक्सेस करने को देते हैं तो उसको बोल देते हैं एक्स्ट्रानेट, सिंपल। बेनिफिट क्या है भाई, बेनिफिट है प्रोडक्टिविटी, फास्ट, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है कि भाई बार बार ईमेल पॉपअप हो रहा है, तो वैसा डिस्ट्रैक्शन नहीं है, अलग अलग एप्स यूज करने का डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सब कुछ एज नीडेड बेसिस पे एक जगह मिल गया है इंप्लॉइज को। इसका ग्लोबल रीच है, बस आप लॉग इन कर लो, जहां पे भी आप दुनिया के किसी भी कोने पे हो, आप सेम उसी सर्वर पे आ जाओगे, ठीक है। ऑल कंपनी डॉक्यूमेंट्स वहीं पे अपलोडेड होते हैं, तो इसको बोलते हैं वेब पब्लिशिंग, याद रखना वेब पब्लिशिंग, ठीक है। जितने की जो डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड हैं कंपनी के वहां पे, उसको बोलते हैं वेब पब्लिश। ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, कोलैबोरेशन पॉसिबल हो गया है, टीम वर्क में सहायता करता है, कॉमन कल्चर बन चुका है, एक जैसी इंफॉर्मेशन सबको मिली हुई है, क्विकली लाइव अपडेट होते रहते हैं इस पे, और इसका एक डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है। डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर का मतलब MIS, MIS क्या होता है, हमने चैप्टर 6 में पढ़ रखा है, तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड MIS लिंक्ड है ये, ठीक है। तो हमने जो है इस चैप्टर के ज्यादा से ज्यादा चीजें कंप्लीट कर ली हैं, कुछ अदर्स में आता है जैसे कि ऑप्टिमाइज पर्सनल ईमेल यूज। अगर आप पर्सनली ईमेल कर रहे हो तो आपको उसका ऑप्टिमम यूज कैसे करना चाहिए, आइए देख लेते हैं। बहुत सिंपल सी रीडिंग वाली बात है, टेक्निकल चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं 90%। तो भाई मैनर, टोन क्या इस्तेमाल करते हो वो अच्छा होना चाहिए, एड्रेस बिल्कुल सही जाना चाहिए, कंसाइज लिखो, ये नहीं कि ऐसे की तरह आपने पूरा का पूरा ईमेल छाप दिया, प्रोफेशनल लगना चाहिए,
सजेस्टिव एड्रेस नहीं होना चाहिए। सजेस्टिव का मतलब कि कुछ जो आपका ईमेल एड्रेस है वो कुछ व्यर्थ फालतू का नहीं होना चाहिए, राइट। ग्रामर और स्पेलिंग को अच्छे से चेक करना है। इन सब चीजों को हम लोगों ने बहुत इलैबोरेट वे में एक एक पॉइंट के ऊपर 10-10 मिनट लगा करके क्लास में डिस्कशन किया है। अब बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो भाई ईमेल जो है इजी है, फास्ट है, इनएक्सपेंसिव है, इसमें फिल्टर्स दिए हुए हैं और ये एक हद तक सिक्योर भी है। लेकिन क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं तो ईमेल का भी कुछ डिसएडवांटेज है। जैसे कि भाई ऑर्गेनाइज करने में, एक बात बताओ, अगर हम बिजनेस कम्युनिकेशन बोल करके कर दें तो देखा जाए तो थोड़ा कम वक्त लगेगा। पेपर फॉर्म में है तो वो फाइल में रखा हुआ है, ठीक है। अब ईमेल जो है, ईमेल अगर मुझे एक दिन में अगर 50-100 ईमेल आते हैं तो देखा जाए तो उसको ऑर्गेनाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर भी कंपनीज जो है, ईमेल कंपनीज आजकल रोज नए नए फॉर्मेटेड इवॉल्व्ड फॉर्मेट्स लेकर के आ रही है कि चेन्स बन जाती हैं अलग अलग रिसिपेंट्स, अलग अलग मेल एड्रेस की। तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा सिक्योर तो नहीं है, किसी भी तरीके से फॉरवर्ड किया जा सकता है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को, राइट। एक होता है कि भाई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ ऑफिस में मिलेगी, एक रूम है जहां पे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, आप जाकर के सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन जाकर के वहां पे कर सकता है। अब मेरा कोई ऑथराइज्ड पर्सन है, मैंने किसी एक को ऑथराइज किया, उसको मैंने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगरका प्राइवेट लिमिटेड की दी, हो सकता है उसको वो जल्दी आगे फॉरवर्ड कर दे, राइट। तो इंटरनेट में कहीं ना कहीं लैक ऑफ सिक्योरिटी तो डेफिनेटली है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, हो सकता है रिटन फॉर्म में है, एब्रिविएशन यूज कर दिया, सामने वाले को समझ में नहीं आया। और मीनिंग ऑफ मैसेज जो है, ऑफन मीनिंग ऑफ मैसेज एक चेन में लॉस्ट हो जाता है। अगर बहुत सारे लोग काम, अगर आपने, आप तो भी छोटे हो, अगर आपने कभी भी अपने ऑफिस में ईमेल्स देखे होंगे तो क्या होता है कि कभी कभी लंबी चेन बन जाती है। सुपरवाइजर ने कुछ भेजा, मैंने वापस भेजा, तो ऐसे करके चेन हो जाती है। तो हो सकता है ऑफन जो मैसेज का मेन फोकस है वो कभी कभी लॉस्ट हो जाए। नाउ दिस एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन हाउ सिंसियरली यू आर यूजिंग। एक बेनिफिशियल थिंग है, टेक्नोलॉजी बेनिफिट है ही, अगर आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो, सिंसियरली इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो वो तो हैजार्डस होगा ही होगा, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट गाइज दिस चैप्टर। मैंने पूरा जस्टिस देकर के, बहुत मेहनत करके मैंने आपके लिए ये नोट्स बनाए हैं, जिससे कि पढ़ाई के बाद बच्चों को एक कंसाइज चीज मिल जाए। देख रहे हो ना आपके कितने इंपॉर्टेंट, सब कुछ ऑलमोस्ट इसमें कवर है। लेकिन लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, कहीं बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आना चालू हो गए, कहीं से भी ये रिवीजन जो है, रिवीजन नोट्स जो है, कहीं से भी एक क्या बोल सकते हैं, रिप्लेसमेंट नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है पूरी पढ़ाई का। 100% अपनी क्लासेस की पढ़ाई करो, उसके बाद इसको सिर्फ रिवीजन के लिए रखना है, क्योंकि 100% चीजें इसमें डेफिनेटली कवर्ड नहीं है। 50 पेज 30 पेज का चैप्टर जो है 6 पेज में नहीं कवर हो सकता, लेकिन मेन मेन चीजें कवर हो चुकी हैं, राइट। मेन मेन नहीं, टॉपिक सारे कवर्ड हैं, उसके अंदर की चीजें 100% डेफिनेटली कवर्ड नहीं है। ये आपको रिवीजन के लिए काम आएगा। सो दैट्स ऑल। अब हम चलेंगे अपने एमसीक्यू की तरफ, ठीक है। The term internet and world wide web, the very first question, the term internet and world wide web are, batao, bataiye, the correct answer is, I don't know, mujhe khud hi dekhna padega, A, one and the same thing, it can be, yahan pe hoga dosto, used as synonyms, theek hai? It can be used as synonyms. These are related terms, but meaning are totally separate and none of the above. So the correct answer is, of course, C. It's not one and the same thing. Itni charcha ki class mein, revision mein, abhi bhi galat kar rahe ho, toh pata nahin. Theek hai? These are related terms, but the meaning are totally separate. Question number 2. Dash is a system of high... interlinked hypertext documents accessed via the internet. Bataiye. Is a system of interlinked hypertext documents accessed via the internet? The correct answer is www. Right? वेब पेजेस नहीं होगा, याद रखना। www पूरा का पूरा सिस्टम है, सिस्टम की बात हो रही है, किसी एक चीज की बात नहीं हो रही है। पूरा का पूरा सिस्टम जो वेब पेजेस का, वेब डॉक्यूमेंट्स का होता है, इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, हाइपरलिंक्स के द्वारा, उनको बोलते हैं वेब, www. 3. यूजिंग अ डैश वन कैन व्यू वेब पेजेस दैट कंटेन टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, अदर मल्टीमीडिया
एंड नेविगेट वाया हाइपरलिंक्स। तो हम लोग कैसे व्यू कर पाते हैं उन सारे वेब पेजेस को, कैसे नेविगेट कर पाते हैं, किसकी सहायता से? जो गाड़ी थी वो क्या थी? द करेक्ट आंसर इज वेब ब्राउजर बी। डैश इज अ वे ऑफ एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ओवर द मीडियम ऑफ इंटरनेट। डैश इज अ वे ऑफ एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ओवर द मीडियम ऑफ इंटरनेट। बताओ द करेक्ट आंसर इज वेब ब्राउजर फोर्थ का बी। जो बच्चे www कह रहे थे वो फिर से रिविजन करिए जाकर के। मैंने ये नहीं पूछा कि उस इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं। मीडियम इंटरनेट है, इंफॉर्मेशन वेब है www, तरीका क्या है एक्सेस करने का? वेब ब्राउजर। फिफ्थ, विच प्रोटोकॉल डज वेब यूज टू ट्रांसमिट डेटा ऑन द इंटरनेट? बताइए। दो तरह के प्रोटोकॉल्स पढ़े थे, एक जो है कोलैबोरेशन करता था और एक जो है ट्रांसमिट करता था डेटा। द करेक्ट आंसर इज HTTP, फिफ्थ का सी। ये देखिए, HTTP यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा, ठीक है। सिक्स्थ, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स आर यूज्ड टू एक्सेस वेब पेजेस। दीज आर नथिंग बट, बहुत ही जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है, दीज आर नथिंग बट, द करेक्ट आंसर इज बी वेब ब्राउजर। वेब डॉक्यूमेंट्स तो है नहीं, हाइपरलिंक्स है नहीं, वेब ब्राउजर एग्जैक्ट है, ठीक है। सेवेंथ, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं ये सब। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग आर वी एबल टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स? थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग आर वी एबल टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स? ईमेल हम लोग कैसे भेजते हैं, किस चीज की सहायता से भेजते हैं? द करेक्ट आंसर इज इंटरनेट बी, ठीक है। याद रखना, इंटरनेट एक बेस है, उसका उसमें बहुत सारे सर्विसेज हैं, उसका सिर्फ एक एक पार्ट था वेब। तो हम ये नहीं कह सकते कि वेब, देखो ए और सी जो ऑप्शन है दोनों सेम ही चीज है। www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब वेब। तो ऑब्वियसली बात है, एक कॉमन सेंस ये भी कहता है कि ये सही नहीं है, लेकिन हमें सही चीज पता होनी चाहिए। तो जो इंटरनेट है उसका एक पार्ट है वेब। वेब की सहायता से ईमेल नहीं होता, ईमेल तो सेंड और रिसीव इंटरनेट की सहायता से होते हैं, सिग्नल्स की सहायता से होते हैं। तो करेक्ट आंसर है सेवेंथ का बी। वी कैन से दैट डैश इज अ पार्ट ऑफ डैश। अब देखो, इसके लिए तो हमें ऑप्शंस देखना ही पड़ेगा। तो ऑप्शंस में क्या क्या है? इंटरनेट, वेब, ईमेल, इंटरनेट, ईमेल, वेब, वेब, इंटरनेट। तो एक बात देखते हैं जो हमने पढ़ाई की है, तो करेक्ट आंसर क्या है उसमें? द करेक्ट आंसर इज डी, वेब इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट, ठीक है। वेब इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट। बहुत से बच्चे ये कह सकते हैं मैडम बी पार्ट भी तो सही लग रहा है कि ईमेल इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट। तो भाई ईमेल तो एक सर्विस है, ईमेल तो सिर्फ। अब मैं ऐसे बोलने लगूं फेसबुक इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट, ठीक है, व्हाट्सएप इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना, ये तो सर्विस है। करेक्ट क्या है? वेब इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट, ठीक है। तो क्या क्या ऑप्शन है? इंटरनेट इज अ पार्ट ऑफ वेब, हो ही नहीं सकता। ईमेल इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट, ठीक है मान लेते हैं। ईमेल इज अ पार्ट ऑफ वेब, नहीं, वेब इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट। तो करेक्ट बी और डी में से क्या है? बिल्कुल टेक्निकल है, वेब इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट, ठीक है। कमिंग टू नाइन्थ, द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विच इनेबल्स अस टू फाइंड, रिट्रीव, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन www इज नोन एज? रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, देखो। द करेक्ट आंसर इज ए वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर वो गाड़ी है, वेब ब्राउजर वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि हम लोग को सहायता करती है www में से इंफॉर्मेशन को फाइंड करने की, रिट्रीव करने की और डिस्प्ले करने की, ठीक है। और ऑप्शंस क्या हैं? वेब ब्राउजर, वेब डॉक्यूमेंट, वेब पेज, ना ना, डायरेक्ट वेब ब्राउजर। दसवां सवाल, डैश अलाउज अस टू ट्रैवर्स इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ट्रैवर्स आपकी बुक में से उठाया हुआ है, एक वोकैबुलरी है। ट्रैवर्स का अर्थात है ट्रैवल अक्रॉस।
तो क्या हमको हेल्प करता है www में से इंफॉर्मेशन को घूमने की, ट्रैवल करने की? रिसोर्सेस के बीच में से ट्रैवल कौन करता है और हमको फाइंड करके देता है? द करेक्ट आंसर इज अगेन वेब ब्राउजर. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब, बहुत इंपॉर्टेंट. और इनमें कुछ क्वेश्चंस आपके इंस्टीट्यूट के भी हैं, मतलब इंस्टीट्यूट ने कितने ही क्वेश्चन दे रखे हैं, मैक्सिमम 10, वो सब उठा करके मैंने इनमें भी डाले हुए हैं. 11th, ईमेल कैन बी फिल्टर्ड यूजिंग द डैश ऑप्शन विच प्रिवेंट्स अनवॉन्टेड मेल्स फ्रॉम एंटरिंग योर इनबॉक्स. अब ये तो तुम लोग खुद बताओगे, चलो शैतानी कर रहे होगे आप लोग, फटाफट मेरे आंसर सुन ले रहे होगे. द करेक्ट आंसर इज अनवॉन्टेड ईमेल्स को हम लोग कैसे फिल्टर आउट कर लेते हैं अपने जीमेल में. आज तक जीमेल यूज किया है? जीमेल में जो आलतू फालतू से मैसेजेस आते हैं, उनको मेल्स आते हैं, उनको कैसे हम लोग सॉलिसिट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं? द करेक्ट आंसर इज 11th का बी, स्पैम. वैसे तो जंक मेल भी एक वर्ड है, ट्रैश भी एक वर्ड है, ट्रैश को चलो डिलीट कर देते हो. इसमें बोल रहा है कि फिल्टर कैसे करते हैं, फिल्टर कैसे करते हैं, कौन सा ऑप्शन है जो दिया हुआ है ईमेल्स में, तो स्पैम होता है. अच्छा एक बात यहाँ पे और बता दूं कि भाई हमने रेगुलर क्लास में पढ़ा भी है कि यदि हमको किसी एक यूजर आईडी का एक एड्रेस, फॉर एग्जाम्पल कोई यूनिवर्सिटी है वो हमें जो है, या फिर इंश्योरेंस वाले हैं वो हमें बेतहाशा मेल करते हैं, दिन में 10 मेल तो कर ही देते हैं, चिपका देते हैं हमें, तो हम क्या करते हैं एक बार उस एड्रेस को स्पैम में डालते हैं. अब फ्यूचर में जो भी उस एड्रेस से, उस होस्ट से हमें मेल्स आते हैं वो ऑटोमेटिकली स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं. तो ये क्या हो गया, अनवांटेड मेल्स, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में आने वाले अनवांटेड मेल्स फिल्टर करने की, करने का ऑप्शन दिया हुआ है स्पैम ऑप्शन में. होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा. 12th, द डैश ऑप्शन इन ईमेल हेल्प्स अस टू रिट्रीव ओल्ड ईमेल कम्युनिकेशन. अभी बताया था रिविजन में कि जो पुराने मेल्स हैं हम बार बार वन बाय वन तो जाएंगे नहीं, 5000 मेल पड़े हुए हैं, वन बाय वन तो जाएंगे नहीं, क्या ऑप्शन यूज कर लेंगे? द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट एंड एग्जैक्ट आंसर इज बी, सर्च ऑप्शन. अगर बहुत से बच्चों ने पढ़ाई नहीं किया तो वो फाइंड ऑप्शन को टिक करके चले आएंगे. फाइंड तो एक टर्मिनोलॉजी, फाइंड तो एक इंग्लिश वर्ड है, जैसे कि यहाँ पे जंक एक इंग्लिश वर्ड था, लेकिन पूछ रहा है कि एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है जो आपको कंप्यूटर पे दिखता है, तो वो है सर्च ऑप्शन. ठीक है, और क्या दिया हुआ है इसमें, सेटिंग, नन ऑफ द अबव, इट्स नॉट ऑफ आवर बिजनेस. क्वेश्चन नंबर 13, थ्रू ईमेल कंपनीज आर ऑफरिंग डैश सर्विस टू इट्स एम्प्लॉइज दैट हेल्प देम टू यूज टूल्स लाइक गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स एटसेट्रा. मतलब क्या हुआ, ईमेल की सहायता से, यहां पे एक कॉमा होगा, थ्रू ईमेल कॉमा, जो हमारी कंपनी है वो सर्विसेज कौन सी देती है एम्प्लॉइज को, वो कौन सी सर्विस ऐसी है ईमेल पे जो कि एम्प्लॉइज को हेल्प करती है गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स इस्तेमाल करने के लिए. ड्रॉपबॉक्स, गूगल ड्राइव कौन सी सर्विस है, अगर नहीं याद आ रहा है तो ऑप्शन देख लो, एक जनरल आइडिया लग जाता है ऑप्शन से. अकाउंट, पैकेज, क्लाउड स्टोरेज, ऑल ऑफ द अबव. थ्रू ईमेल कंपनीज आर ऑफरिंग डैश सर्विस, अकाउंट सर्विस टू इट्स एम्प्लॉइज दैट हेल्प देम टू यूज टूल्स लाइक गूगल. लग तो नहीं रहा है, पैकेज सर्विस, अकाउंट और पैकेज तो कहीं से भी गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स से रिलेटेड नहीं है. करेक्ट आंसर इज क्लाउड स्टोरेज, 13th का सी. अब देखो इसमें से यह करना है, आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट इज नॉट अ फीचर ऑफ अ प्रोफेशनल ईमेल. ए, तो हमको बताना है कि एक प्रोफेशनल ईमेल जो होते हैं कौन सा नीचे इनका फीचर नहीं है. ए, करेस्पॉन्डेंस थ्रू ईमेल शुड यूज प्रॉपर ग्रामर, करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट टोन, कर्टसी, स्ट्रक्चर, कॉन्टेंट एटसेट्रा. तो क्या ये फीचर नहीं है एक प्रोफेशनल ईमेल का? सवाल क्या है समझो पहले, कौन सी स्टेटमेंट है जो कि बताती है कि प्रोफेशनल नहीं है? तो भाई ए स्टेटमेंट तो भाई प्रॉपर है, प्रोफेशनल है, ये सब तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा अगर प्रोफेशनल होना है तो, प्रोफेशनल ईमेल लिखना है तो. बी, इट इज सजेस्टेड टू यूज इमोटिकॉन्स, इमोटिकॉन्स पता है ना, एमओजीज, स्माइल, विंक एटसेट्रा इन ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस. बताओ
सबको ये समझ में आ गया होगा, जिसने पढ़ाई नहीं की होगी वो भी कम से कम एक नंबर तो ले ही आएगा। सी, मेंटेन सेपरेट अकाउंट्स फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल ईमेल्स। मेनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव फायरवॉल अगेंस्ट पर्सनल ईमेल्स लाइक याहू, जीमेल। ये क्या बोल रहा है कि आपको अपने ऑफिस और अपने पर्सनल ईमेल अकाउंट को अलग अलग रखना चाहिए। यदि आप अपने ऑफिस के सर्वर पर लॉग इन किए हुए हो, अगर आपने अपने ऑफिस का सर्वर जाते ही अपने कंप्यूटर पे ऑफिस का सर्वर लॉग इन किया, फेसबुक हो गया, आपका पर्सनल जीमेल हो गया, याहू हो गया, वो सब वो ब्लॉक कर देता है, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप ऑफिस जाते हो काम करने के लिए। तो सी भी ट्रू है, ए भी ट्रू है, सी भी ट्रू है। डी, अवॉइड स्पैमिंग। मेंटेन, एक मिनट, मेंटेन अ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट ऑफ रिसिपिएंट्स ऑफ योर ईमेल। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने जो आपके जो मेल्स के रिसिपिएंट लोग होते हैं उनकी एक प्रॉपर एड्रेस लिस्ट बना करके रखो। स्पैमिंग मत करो। स्पैमिंग का क्या मतलब होता है, जैसे एडवर्टीजमेंट कंपनी होती है एक बार में 10-10 हज़ार लोगों को मेल कर देती है, जिसको जरूरत है नहीं है सबको, तो ऐसा काम मत करो, प्रोफेशनल रहो, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि हमें स्पैमिंग अवॉइड करनी चाहिए, एक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट प्रॉपर तैयार रखनी चाहिए अपने रिसिपिएंट्स की। सो द ओनली थिंग विच इज नॉट प्रोफेशनल इज ऑप्शन नंबर, यस, बी ऑप्शन नंबर 15th। कन्वर्जन ऑफ डेटा इंटू अ कोड इज कॉल्ड, कन्वर्जन ऑफ डेटा इंटू अ कोड इज कॉल्ड, आइए देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। एनक्रिप्शन, हाइपर मीडिया, इंटरसेप्ट, इंटरफेस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑफकोर्स 15th का ए, एनक्रिप्शन, ठीक है, ये तो सबको पता है, एनक्रिप्ट का मतलब होता है कोडिंग। 16th, द स्पेशलाइज्ड और टेक्निकल लैंग्वेज एज यूज्ड इन स्पेसिफिक फील्ड इज कॉल्ड। आधे लोगों को तो इसका मतलब ही नहीं समझ में आया होगा। बोल रहा है कि किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में, अगर आप डॉक्टर हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप कंपनी सेक्रेटरी हो, आप कोडर हो, तो सबकी एक अलग अलग लैंग्वेज होती है ना, टेक्निकल लैंग्वेज जो कि उनको ही समझ में आती है। डॉक्टर्स की टेक्निकल लैंग्वेज उनको समझ में आती है, कोडर की टेक्निकल लैंग्वेज सिर्फ कोडर्स को समझ में आती है, कॉमन पर्सन को नहीं समझ में आती। तो ये होती है स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज जो कि रिस्पेक्टिव फील्ड्स में यूज होती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, रेगुलर क्लास अगर आपने मेरे से ली है तो मैंने इस वर्ड का इस्तेमाल बार बार किया है, अलग अलग चैप्टर्स में किया है। द करेक्ट आंसर इज, और याद रखना ये, इसमें से ये वाला इस आंसर का जो हमारा वो है जरूर आएगा। द करेक्ट आंसर इज 16th का डी, जार्गॉन, कोड्स, जार्गॉन, ट्राइवियल, हाइपरटेक्स्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज जार्गॉन। जार्गॉन का मतलब होता है जो स्पेसिफिक टेक्निकल लैंग्वेज होती है। 17th, Which of the following protocol is used by web? Which of the protocol is used by the web? Web कौन से protocols use करता है, हमने revision में देखा था अभी। Answers देखते हैं, HTTP, HTTPH, HTTH और HTTP। तो भाई ऐसे जब सवाल आते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगता है, इससे बेहतर है कि जो आंसर आपको पता है एक बार पेंसिल से कहीं पे लिख लो, ठीक है, या फिर अपने माइंड में ही उसको नोट कर लो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑफकोर्स HTTP। करेक्ट आंसर इज 17th डी। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एक्सेस्ड वाया द इंटरनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है क्या, शायद अभी हमने देखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड, तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड वाइड वेब, राइट। और ऑप्शंस क्या दिए हुए, इंट्रानेट तो मतलब होता है इंटरनल, एक्स्ट्रानेट का मतलब होता है इंटरनेट का पोर्शन अगर हम बाहर वालों को दे दें, वर्ल्ड वाइड वेब बिल्कुल सही जवाब है। 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर, तो अगेन दिस इज अ जनरल क्वेश्चन। ए, अब फॉलोइंग बोला है तो सारे के सारे ऑप्शंस तो देखने ही पड़ेंगे, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑफकोर्स डी। 20th, इट अलाउज कंबरसम कॉर्पोरेट नॉलेज टू बी मेंटेन्ड एंड इजिली एक्सेस्ड थ्रू आउट द कंपनी यूजिंग हाइपर मीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजीज। तो इसका मतलब क्या हुआ,
ये बोलना है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझो पहले. क्वेश्चन इज कि जो कॉर्पोरेट होते हैं, कंपनीज होती हैं, उनके जो बल्क में नॉलेज होती है, नॉलेज वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कंबरसम का मतलब हैवी, बड़े बड़े, उनको जो है हाइपरमीडिया और वेब के इस्तेमाल से कंपनीज जो है अपने सर्वर पे डालती है, राइट. हमने पढ़ा था, इट अलाउज कंबरसम कॉर्पोरेट नॉलेज टू बी मेंटेन्ड एंड इजिली एक्सेसिबल बाय द एम्प्लॉइज थ्रू आउट द कंपनी यूजिंग हाइपरमीडिया वेब. तो क्या इसको नाम दिया था हम लोगों ने, पढ़िए ऑप्शंस. द करेक्ट ऑप्शन इज ए वेब पब्लिशिंग. ठीक है, वेब पब्लिशिंग का मतलब होता है कि देखा जाए तो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको अगर हम छापें तो उसको पब्लिश बोलते हैं, अगर वो वेब से इंटरनेट पे छपे हुए हैं तो वेब पब्लिश. तो छापना नहीं, छापना इज नॉट द करेक्ट वर्ड, प्रिंटिंग इज नॉट द करेक्ट वर्ड. द करेक्ट वर्ड इज कहीं पे पड़े हुए हैं, पब्लिश किए हुए हैं. बुक आपकी पब्लिश होती है ना, एक्सेसिबल होती है किसी सर्वर पे, तो वही बोलते हैं वेब पब्लिशिंग. दूसरे ऑप्शन है वेब कम्युनिकेशन, वेब सर्कुलर, इट्स नॉट द राइट ऑप्शन.